गंदा है ना, सब देख के घिन आता है। क्या करे, अभी आदत लग गया तो अभी चुन के ही रहना पड़ेगा। अभी वो बेचेगा नहीं तो फिर खाएंगे कहाँ से हम लोग। ठंडा सा आता है उसमें, कपड़ा आता है गंदा, उसमें इंजेक्शन आता है, उसमें क्या क्या चीज आता है, मटन मच्छी चूहा हुआ सब। हम लोग उसको हाथ में ऐसा ऊपर नीचे करके एक एक थैली, एक एक पेपर, एक एक उसमें से निकाल के पूरा सूखा गिल्ला कचरा अलग करते। अब नया नया 10 दिन कचरा चुनेगा ना, हम वहाँ बैठ भी नहीं पाते, तकलीफ होता है। फिर 10 दिन के बाद उसमें हम लोग को ऐसा हो जाता है ना, हालत हो जाता है, सब अच्छा लगता है। एक तो मैं सोचता हूँ कि मैं आगे कैसा बढ़ूंगा, अभी ये पूरा इससे तो कुछ होता भी नहीं है। ये 12-12 मतलब 8-8 घंटा गोनी उठा के राउंड मारना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 70-100 कभी 120। We are familiar with garbage attracting scavenger creatures such as flies, rats, cockroaches, street dogs, crows, pigs. The site at Bombay dumps, along with all these dogs which come running when a garbage truck comes to unload, you have the human scavengers also running to try and salvage something. And it's pathetic because they're dependent on doing this as a sustenance of their life, day in and day out. मेरी माँ जाती थी ना पहला, माँ के साथ जाती थी मैं। छोटे छोटे भाई थे, बाप बहुत बेवड़ा था। भाई के साथ जाते जाते भाई माँ घर पे रहने लगी तो मैं जाने लगी। मैं 7 साल की थी तभी से माँ करती थी, और माँ के साथ जब भी मुझे मालूम पड़ा कि माँ ऐसा ऐसा काम करे तभी माँ के साथ जाती थी। नौकरी छूटने के वजह से मैं बोला चलो, बहन बोला इसमें पगार मिलता है, थोड़ा पैसा मिलता है। मेरे 3 बच्चे थे, उसके साथ मैं काम करने चालू हो गया। फिर ये लाइन मुझे मालूम पड़ी, फिर बहन बोली तू अकेला धंधा कर और 3 बच्चे को पाल। अभी दूसरा हम बम्बई में, हमको दूसरा काम मालूम नहीं पड़ा, इसके लिए काम करा। कुछ नहीं था हमारे पास खाने का, सब लोग चुन के गाते, अपन भी देखेगा करके शुरू कर। अभी अपन जैसे एक को देख के एक को अपन कचरा उठाते हैं ना, वैसा है। कोई भी अपने को शिकायत नहीं है कोई कि अपने को ऐसा करके ये धंधा करेगा तो अपने घर पे बैठेगा, तो कुछ नहीं है ना। चलो अब तो पर ये चुनेगा तो अपने को 2 रुपये कमाए, ऐसा करके हम लोग उठाए बोले। देख
They just come from various parts of the state, including different parts of the country. Poor people who drift into the city, and for the lack of anything better to do, they become ragpickers. Most of them are from outside the city, and, who come in into the city and find that this is the easiest thing they can do. This is the thing everybody can do. A three-year-old child contributes to it. So I think it starts with they come, find other people from their community who speak their language. They find bastis. The bastis are invariably areas earmarked for waste management. So, you know, the neighbors doing it, so they also start picking up things of value, rummaging in bins. Before you know it, the entire family is involved in this trade. They are all coming from the drought-prone areas. Most of them are either widows, deserted women, or wives or the alcoholic husbands. And then also they are only breadwinners in the family, look after the children. फिर कचरा चुन के आने के बाद फिर ये तीन बच्चे का घर का पूरा काम करके जाने का वापस आने का और उसको थोड़ा सा खटकता है लेकिन मैं ढकल लेती है उसका नहीं सुनती है क्योंकि मुझे उसका सुनेंगे तो मेरे बच्चे लोग का कौन देखेगा ना माझा नवरा ना दारू पीत होता तर मग बरोबर मला पैसे देत नव्हता घरी तर मग मी ठरवलं एक दिवशी म्हणलं आपण काहीतरी काम करावं आणि आपण आपल्या मुलांना सांभाळावं म्हणून मी असंच काही जणांना विचारलं तर त्यांनी सांगितलं कचरा वेचायला चला आमच्याबरोबर मग मी त्यांच्याबरोबर गेली मग त्यातून मला थोडंसं पैसे भेटायला लागले पैसे भेटल्याच्या नंतर मग मी रोज थोडे थोडे पैसे करून मग घर चालवायला लागले Thank you.
women are particularly fond of this trade because they cook, they look after a sick child, they send the child off to school, and then they go scavenging. Or they get up early in the morning and go scavenging for the first, you know, like the early bird gets the worm kind of thing. By nature, they're free, independent entrepreneurs. They are there because they want to be free and independent. They don't want to work under somebody. They do this because they're not answerable to anybody. They're free birds. They can work when they want. पहले मैं जो भी काम करता था सब में इधर उधर मतलब लफड़ा होते ही रहता था इस वजह से मैंने काम छोड़ दिया मैं तो 24 घंटा हंसते गाते खेलते रहता हूँ मैं जो काम करता हूँ अभी जो इसमें फ़र्क है कि मैं अपने तौर तरीके से जी सकता हूँ मतलब किसी की गुलामगिरी नहीं सवेरे उठता हूँ तो मुंह धोता हूँ चाय पीता हूँ खारी खाता हूँ और चले आता हूँ राउंड पे और दोस्त कैसा सुन रहा है कुछ सोना पीना मिला क्या नहीं आता हूँ बिल्डिंग बिल्डिंग से माल छाट के सुनील के पास माल डालता हूँ माल डालने के बाद मैं अपना नहाता धोता हूँ फ्रेश होता हूँ मौज मजाक करता हूँ थोड़ा देर जैसा 6-7 बज गए ऐसे चले आता हूँ घूमते फिरते कई चौपाटी उधर जाता हूँ पिक्चर देखता हूँ इंटरवल में मस्त बर्गर विर्गर खाता हूँ इंजॉय करता हूँ रात को आता हूँ तो सो जाता हूँ थोड़ा सा पकाता हूँ दोस्तों को मेरे हजार दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना मेरे हजार दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना इस बेवफा के दिल में आ जाए ना कोई गीत गाना सिवाय को कचरे के धंधे में मैं ऐसा आई मतलब मैं 8 साल की हुई तभी मेरा शादी बना दिया था मैं मतलब मैं पढ़ेली नहीं है मेरा आदमी भी पढ़ेला नहीं मैं भी नहीं पढ़ेला मतलब मेरी सास भी कचरा चुनने की जाती थी मैं भी कचरा चुनने की जाती मतलब सास ने मेरे को सिखाया ये कचरा चुनने के लिए दर दिन का तांपू कभी 60 रुपया आता है कभी 70 रुपया आता है ये अभी सब लगा कर तो मतलब 2000 रुपये महीना पड़ता है 2-2.5 हज़ार मैं अभी 10-15 साल हुआ कचरा चुना है रोज जाके बेचते हम वो लेके जाएंगे तो तभी खाते हैं नहीं तो क्या है खाने के लिए घर में लगेगा तो जाता है नाके उके पे मतलब बेवड़ा बिवड़ा सिवड़ा कुछ नहीं दारू नहीं पीता है कुछ मतलब उसको व्यसन कुछ नहीं है 4 बच्चे है मेरे को तुम अपने मिस्टर को नहीं बोलता कि जाओ काम अभी कितना बोलेगी वो बोलेगी तो गुस्सा करता है कितना बोली उसको तो? मैं बहुत बोलती है काम पे जाओ अभी लड़की का शादी करना है लड़का बड़ा बड़ा हो रहा है ऐसा तो कुछ बोलती है फिर भी बाद में फिर खाना नहीं खाता है घर पे बोला तेरे खाना नहीं मेरे को मांगते हाँ करते हाँ तुम्हारा हाथ क्यों नहीं बटाता है कचरे में ये हाथ ने बटाने के लिए मैं नहीं आने देती उसने भी कचरा चुना है हाँ हम दोनों साथ में ऐसा गोटी भी खेला है कचरा भी चुना है 15 मैं 8 साल की हुई तभी मेरा शादी बना दिया था कुछ मालूम नहीं था उनको शादी भी थी कुछ नहीं दोनों साथ में एक खाना खाने के लिए एक थाली के लिए झगड़ा करती थी कि वो थाली मेरा है वो थाली उसका है ऐसा हम लोग को झगड़ा चलता था बराबर छाटो क्या अरे उसमें से थैली तो निकालो अरे वो क्या वो थैली निकालो ना बाबा थैली में डालो इधर डालो तो मैं इधर शिमला उसमें कचरा नीचे गिरता था
तो मैं वहाँ गोनी लेके आता था, चुन के ऐसा दुकान पे बेचता था, कभी 30 का, कभी 40 का, कभी 50 का, कभी 100 का, जैसा मिला वैसा, एक घंटा दो घंटे में अपने को मिलता था, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं था। ज़्यादा फायदा हम लोग कैसा होता है, सोसाइटी से पूरा कचरा साथ में आएगा तो उनका आदमी लोग निकाल नहीं पाते, वो गंदा रहता है तो उसके लिए हाथ नहीं लगाते। अभी हम लोग गंदगी में हाथ नहीं डालेगा तो हम लोग को कमाई कम होता है। सूखे कचरे में क्या बचता है, पेपर और थैली बचता है, वो फेंक देते वो लोग, कोई हम लोग चुनता है, जो उसमें प्लास्टिक रहता है, बड़ा बड़ा सामान निकाल लेते हैं, जो गंदा रहेगा तो वही आता है। It's like water flows from a higher level to a lower level. So the stuff that we throw has got a value, sufficient value to propel itself down a chain of people. They are doing a phenomenally useful thing. And I think the fact is that they're doing things that nobody else wants to do. I mean, in many ways, they're like rats or dogs or cats who, and it's not only unsightly, it's downright inhuman. It's bad for them in terms of, you know, physical conditions. They catch all kinds of disease. They hurt themselves. 8 days, me, to 2-3 bar to lagta hai, taka girta hai. Kabi upar se patthar girta hai, gaadi khali honne hote time. कभी कांच में पैर फटके फटता है, टाका गिरता है, बहुत बार लगता है। कौन सा भी कितना भी भारी से भारी जूता पहनो, चप्पल पहनो, लगना ही है। अपने कचरे में तो दिखता नहीं है, अपन चलते चलते समय लगता ही है वो। अपन अपने काम के घाई में रहते हैं, जब दिखता नहीं है कुछ आगे का, इसके लिए लगते रहता है संभाल के काम। हाथ में कुछ नहीं पहनते हम लोग, हाथ में पहनेंगे तो कैसा माल कैसा उठाएंगे, जो अपने को चीज़ लगती है वो नहीं उठा पाएंगे ना। अभी खिल्ला लग गया, खिल्ला लग गया था, 3 days langad langad ke chal raha tha. Nobody really wants to wear protective gear. It's uncomfortable, it's hot, and more than anything, they can't feel what they're doing. Many times they're talking to each other and actually sorting much by feel and by touch. कचरे का बास ले लेके बदन एकदम, मैं नहीं तो पहला बदन इसमें बीमारी होते जा रही। इसमें मेरा बदन पहला ऐसा था सर, अभी कभी सुवा घुस जाता है, कभी कांच लग जाती है, उसमें खून चले चले से। अभी मेरी उम्र हो गई है 41, अभी मेरा कोई भरोसा नहीं, कल वो आ जाए कल नहीं है। कैसे कैसे इंजेक्शन लगता है, कांच लगती है, कुछ भी लगता है, फिर भी भाई लोग काम करते रहते हैं, क्योंकि अगर आज वो काम नहीं करेगी तो शाम को उसके घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा, उसको खाना ही नहीं मिलेगा, उसके बच्चे लोग भूखे मर जाएंगे। मैं बीबी का सपना पूरा करना चाहता हूँ कि एक खुद का घर बन जाए और मेरे बच्चे लोग खुश से रहे। मेरा लास्ट तमन्ना उतना ही और कुछ नहीं। मेरे को बेईमानी का, हेरा फेरी का, झूठ का नहीं चाहिए, मेरे को मेहनत का चाहिए। 6 साल 4 साल 3 साल ऐसे एक ही साल का फर्क है दो बच्चों का। मेरे बच्चे लोग को ट्यूशन डाला था औरत में, स्कूल में इधर डाला था, मीडियम इंग्लिश मीडियम मराठी में, वो चला गया तो मेरे को कोई ऐसा लगता है कि मेरा पूरा ज़िंदगी बेकार हो गया। अभी मैं किधर भी सब तरफ मैं किधर भी आ डालूँ तो दुखी ऐसा लगता है। Thank you.
परेशान बहुत रहती थी, यही बोलती थी कैसा करने का क्या करने का। मैं उसे पूछता था, तू बोलती थी तुम टेंशन नहीं लेने का। मेरे को बोला था तुम 20,000 रुपये दो, मैं वहाँ करेगा, तुम यहाँ करेगा, हमारा जल्दी घर बनेगा। तो बोला नहीं, तुम 4-5 दिन रुको, मैं आगे व्यापारी से बात करके मैं ला के करता हूँ। लड़के का बर्थडे था, बर्थडे मनाया, अच्छे से खाया, चौपाटी में खूब खेला। वो लोग 9-10 बजे घर पे आया, 10-15 मिनट के बाद तो अंदर से ऐसा आग लगा क्या है कि ऐसा लहर रहा कि एकदम पूरा वो लड़ते ऐसा है, तो ये पूरा आगे का जल गया था। बहुत अच्छी थी वो, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा उसको। इसको मेहनत करने का बहुत शौक था, खुद का घर हो, अपना परिवार अच्छा हो, बच्चे लोग अच्छा हो, ऐसा उसको बहुत हौसला था। मेहनत करे, खुश से रहे, जिसका हक है उसको दे, अपना हक अपना खाए, मेहनत से बनाने का ऐसा उसको इच्छा था, पर मैं कर नहीं पाया कुछ ऐसा। शाम को मैं बगैर पिए मेरे को सो भी नहीं पाता हूँ, तो मैं पी खा के उधर ही जाके सो जाता है कैसे भी करके। अभी आपने को आगे जीने को भी दिल नहीं, ऐसा होता है कि मैं जीऊँ नहीं, मैं ऐसा हौसला होता है मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे को क्या होगा कल, वो भी ऐसे कचरा चुनना पड़ेगा, उनके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो लोग कैसा जाएगा। मैं सोचता हूँ कैसे मैं आगे बढ़ूँ क्या करूँ, मेरा कोई दिमाग काम नहीं करता। दो दिन का मेला है, फिर अंधेरी रात है, दुनिया में क्या लेके जाना, कुछ मर गया था कुछ नहीं। और एक गाना सुनाऊं, एक दिन मर जाएंगे पापी के मौत, जग में रह जाएंगे प्यारे प्यारे बाते, ला 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 ला, ला। Most of the time, ragpickers don't deal with segregated waste. What they're doing is they're going into community heaps, the building dump, and rummaging. If they find anything of value, even actually to get to that dump, they pay the building watchman. The watchman, mind you, has already removed a lot of things which have good resale value. He's removed to sell bottles, cardboard carton. So the exploitation starts from the building itself. अभी हम लोग कचरा डब्बा का अंदर जाते हैं, दूसरा कोई भी आएगा नहीं छोड़ेगा, नहीं वॉचमैन बोलेगा नहीं आने का, भगत है पूरा भर के जाओ गिल्ला सुखा करके बोलते हैं, फिर भी वो 10-20 रुपया मंग रहे ले, चाय पिलाओ पानी पिलाओ, वो लोग देना पड़ते हैं। और वो कचरा डालते सोसाइटी वाला ने, वो लोग तो पूरा अंदर चुन के ले लेते हैं, बंगार वाला को दूसरा जगह में बेचते हैं। फिर हम लोग जाते उधर देखते तो खाली पेपर दूध थैली वो सब मिलती है सर। पहले हम लोग को बाटल मिलती थी, कांच मिलती थी, कुछ प्लास्टिक मिलता था, तो उसमें हम लोग को ज़रा ताकत थी क्या 2 पैसा मिल रहा है,
कभी 100 रुपये का कभी 150 रुपये का डालते थे। अभी तो सर जाएंगे तो 70 रुपया 80 रुपया आज का दिन में माल करने का, तो फिर उसमें क्या चलाएंगे सर? देन शी कम्स अक्रॉस अ कॉप एंड सेज, ए यहाँ क्या कर रही है, उसको भी पैसा दो। शी इज होल्डिंग हर वेस्ट, शी हैज़ टू, ही शी और ही, आई से शी बिकॉज वी डेल्ट विद विमेन रैगपिकर्स, शी इज होल्डिंग अ वेस्ट इन सम कल-डी-सैक इन सम कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रीट इन यू नो डाउन इन अंडर अ शेडी ट्री। Somebody comes along, some MCGM employee comes along and says, what is all this? Now, he doesn't really want to stop her doing what, he just wants to make his bucks. Sabko dena padta, hum log kaga chunta karke un log sochte hain. Isme sab khate hain, hum log hamara naam se pura khate hain. Naam hamara hai, kamai mehnat hum log ka khate hain dusra. Police ka aisa rivaj hai sir, ab hum log building se kachra late, ek bada bora rakhe le, usme laake jama karte. जमा करके एक कोने में रखते, हमारा टेम्पो दोपहर को 8:30 बजे आते, 8:30 बजे टेम्पो आता है तो हम लोग उसमें डालते, तो उधर साफ सफाई उधर जिधर पुलिस लोग आते जाते रहते, बोलेंगे ये चल उठा इधर से भाग, इधर रहने का नहीं, चलो उठाओ इधर से भाग जाओ। पीपल आर एंग्री विद देम बिकॉज दे सिट ऑन द फुटपाथ, बट अनलेस एंड टिल दे सॉर्ट देयर गार्बेज दे कांट गेट द बेटर रेट्स फॉर देम and they cannot store it anywhere, so whatever weight they can carry they have to sell it at the first vendor or middleman, and there they are always exploited. And the biggest exploiter of all is their so called benefactor, the kata wala. You see what happens is that what they have is the unsteady income. Today you get 100 rupees, if you collect more waste tomorrow you may not get even 5 rupees, or if it is raining heavily you don't get any waste, so there are lots of problems, so they can't work for all 365 days, neither they are compensated for that. And I think ragpicker associations like Sri Mukti Sangatna and Force, Sri Mukti Sangatna particularly in this respect, are doing a lot for upliftment of ragpickers. They're trying to get them to form savings groups, trying to see that some part of what they earn doesn't go into liquor or day-to-day life, but is put away for a rainy day. मेरे को कर्जा 20,000 चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चों लोग का पढ़ाई का पैसा भरेला नहीं है ना, या दर महीने में थोड़ा थोड़ा करके मैं पैसा दे सकती हूँ, क्योंकि फेडरेशन चा लोकांनी मला साथ दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार पण मानते, आणि माझं घर व्यवस्थित त्यांनी म्हणजे सुधारण्याचा प्रयत्न केला मला, नाही तर मला घरात म्हणजे संसारात कसा चालवावा आणि कशी बचत करावी हे मला माहीत नव्हतं। नंतर मग थोडंसं मला ताकद आल्यासारखं झालं की कारण मी स्वतः कमवायला लागले, शनिवारी रविवारी जायचे कचऱ्यावर आणि बाकीचे मग 5-6 दिवस मी काय करायची, बालवाडी चालवायला घेतली मी। कोंबडीचे पिल्लू दाणे पिपायला कोंबडी गेली निघून, कोराड्यात अंडे ठेवले जपून, इतक्यात अंडे ठेवले जपून, इतक्यात अंडे लागले। आता माझ्यासारखा अजून कोणता खाते वाचू, आणि हे सातवा मधी पाचवी बाराशी मग माझी पहिली 7वी होती, 7वी 5 शाळा होती, नंतर मी 10वीची परीक्षा दिली बाहेरून, आता 2 वर्ष झाले आणि 10वीची परीक्षा दिल्याच्या नंतर मी त्यातून पास झाले, आणि शिवाय आता माझा असा प्रयत्न असं मला वाटतं की मी 12वीची परीक्षा द्यावी। And they are trying to encourage entrepreneurial skills in these ladies, trying to get them organized so then they have leaders among these. And then you train them in composting and other techniques which go hand in hand with management of dry waste. We thought we'd look at dry waste, get residents to segregate at source and have a group of ragpickers to pick up this well segregated waste. So we tried to be holistic, tried to give them, you know, aprons which they wore as uniforms. So they were sitting in a place in relatively good conditions and sorting waste for which they were paid a much higher rate than the local kantawala was paying them. आम्ही पहिल्याला कचऱ्यावर जात होतो ना, फिरून कचरा वेचायचो, तर मग असं कोणाच्या दारातून जर चाललो असं रस्त्याने,
तर हे कचऱ्यावाले बाई इकडं कशाला येतीस, तुम्ही चपला नेतात, आमचे भांडे पण नेतात. तर तेव्हा असं मन दुखी व्हायचं आणि अपमान वाटायचं. आणि जसं श्रीमुक्ती संघटनामध्ये आम्ही आल्यापासून जे आम्हाला मान भेटला आहे आणि आता कोणी कचऱ्यावाली म्हणत नाही, आम्हाला परिसर भगिनी हे नाव दिलं आहे श्रीमुक्ती संघटनेने. We have given them I-card. The I-card has given them identity and that also gave them dignity. That I am a member of the organization, I am a member of the cooperative society, I am a member of a group. Many of the ALMs, the Advanced Locality Management Groups, are involving ragpickers directly, giving the waste to the ragpickers. This is how they are earning. They are trained for doing vermiculture, composting. They are also trained in gardening and other activities through the NGOs. So we gave suggestions to RBI that there is gold hidden in this waste, so why don't we make use of it? And RBI accepted the suggestion and started all this. तो हमारी जो एक घर से कलेक्शन करने के लिए आती है वो गीला और सूखा कचरा अलग अलग दो बास्केट्स लेकर आती है. उसमें एक में गीला और एक में सूखा लेकर जाती है. हमने और डॉक्टर शंकर ने और मिलके 7-8 सोसाइटीज़ में ये सब शुरू किया है और बहुत अच्छे से सब जगह चल रहा है. सेग्रीगेशन हैज़ टू बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर ईच एंड एवरी रेसिडेंट ऑफ दिस सिटी, वेदर यू बिलोंग इन अ स्लम और वेदर यू बिलोंग इन अ हाई राइज. Today all this dry and wet is getting mixed and which is going to the dumping ground where the ragpickers sit and segregate. Now even the ragpickers even cannot cope up with this issue and it is very painful to go to dumping ground and pick up all the garbage from the wet waste. See, the city of Mumbai is so huge. Solid waste generation is growing every day. We have reached somewhere about 7,800 tons per day. And it's still growing as more and more people are coming into the city, as the development activities are increasing. You will not find any interference in waste management for the simple reason that everybody, even politicians, ministers, corrupt ministers, anybody, nobody can have two views about waste. That we have gathered now, if we are able to sustain that, then we will really be able to make a difference not only to the solid waste management but also to the lives of the ragpickers. ये ढोल बजाना जोगेश्वरी में सीखा था मैं अपना, मतलब पहले बजाने आते थे तो मुझे आता नहीं था, मैं जहाँ पे भी नासिक ढोल का आवाज़ सुनता था ऐसे डांस करने चले आते थे. जी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब जिस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं है ज़्यादा, इधर गया उधर गया तो आप छोकरी लोग को देखा, अपने लवर के साथ में भी जाते रहते, तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता.
मैं सोचता हूँ अगर मैं भी सूट बूट पहन के रखूँगा तो मेरे से भी पटेगी। इन लोग के साथ में क्यों, इन लोग का घर है, दार है, सब है, इसके लिए पैसा, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। चाय कितने का? चाय चाय भी 5 रुपये का, चाय भी दो। पकड़ूंगा कैसे? मतलब दिमाग में अजीब अजीब आता है, कभी मैं ये बनूं, कभी ये बनूं, तो फिर मैं गाना गाते रहता कभी भी मैं ऐसा क्यों हूँ, 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 मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। करना है क्या मुझको ये, मैंने कब है जाना, लगता है गाऊंगा जिंदगी भर बस ये गाना, होगा जाने मेरा अब क्या, कोई तो बताए मुझे गड़बड़ है ये सब क्या, कोई समझाए मुझे। मेरी माँ पहले बहुत तारीफ करती थी मेरी, बोले एक दिन मेरा बेटा है ना एक अच्छा डांसर बनेगा। और रमज़ान के बाद में मेरी माँ ऑफ हो गई थी, मतलब मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, इधर उधर सुन हो गया एकदम, सुन होते हुए चला गया इधर उधर। फिर बाद में आया शाम के टाइम पे तो देखा तो मैं पागल हो गया था। फिर मैं बोला, 2-3 दिन था फिर वहाँ पे, 2-3-5 दिन था, फिर चले गया यहाँ पे आ गया। और दरिया में ये अभी घर तो है नहीं, इधर यहाँ पे मच्छर लोग घर है, सब काटते, सब अपने दोस्त यार है, काटते रहते। कभी कभी शादी के बारे में सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि भी पैसा जमा करूँ, एक घर लूँ, भाड़े से तो लूँ, फिर ऐसा ऐसा करके ये करूँ, मैं क्या करें, कभी 100 मिलता है, कभी 70, कभी 80 में चले जाते, वो जो सोचता हूँ अधूरा रह जाता। अभी मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि दिमाग में भी ऐसा चल रहा है मेरे कि मैं अभी खुद का एक डांस वो करूँगा, मतलब अपना ग्रुप बना के डांस कर वो करूँगा, मगर उस टाइम पे किसी का साथ चाहिए, साथ बिना तो आगे नहीं बढ़ सकता। भाई नहीं, एक मेरी बहन उधर है, हम लोग इतना साल हुआ था हम लोग इधर ही रहते। हाँ मेरा आदमी मर गया, 2 साल हो गए इधर ही तो मरा, वो दारू पी के बीमार में मर गया। बहुत जगह पे दवा लेके आएगा, दिया तो नहीं, प्रोट नहीं है, खाया नहीं है, खाली दारू में। उसका पेट का जो फेफड़ा है ना वो एकदम खड्डा जैसे गिर गया था, उसको डॉक्टर बताए भी, एक्सरे निकाले, बोले उनको खड्डा गिरा, ये बचने का मुश्किल है। फिर भी हम लोग बाबा के पास या किधर भी लेके गए, जब भी ठीक नहीं हुआ वो बारिश के टाइम में मर गए। हमें बोले भी पापा दारू मत पियो, आपको कुछ हो जाए हम लोग कौन देखने वाला है। अभी वो समझते दोस्त लोग को लेके जाएगा, पिलाएगा, फिर आ जाएगा। हाँ बोलते थे पापा मत पियो, अभी हम लोग भी काम पे चले जाते रोड पे, शाम को आते बोल देते तो नहीं समझते। वो बोलते मैं पीऊँगा नहीं तो अभी मैं चलूँगा कैसे, काम कैसे करूँगा मैं।
चुनूंगा मैं कैसा, ऐसा बोलती। पुलिस लोग इधर 1 बजे रात को आते, चाय पीने के लिए 10-20 रुपए दे के जाए, ये लोग बच्चे को चाय पिलाओ, देख के जाते हाँ भाई ये लोग कैसे कागज चुन के खाने वाले लोग हैं, लोग क्या बोलेगा, भी भगा तो नहीं सकते। Whatever 99% of our members are totally illiterate, and this husbands were also illiterate, or maybe temporary workers somewhere and all. They slowly get into this alcoholic trap. I mean, women are working in the garbage or in very dirty atmosphere, but they never consume alcohol because they think about the children. घरचं पण व्यवस्थित आहे आता, पण तरी पण अजून आहे थोडंसं टेन्शन। टेन्शन म्हणजे आता हेच घराचं टेन्शन आहे, मुलांचं टेन्शन आहे। घराचं टेन्शन तर आता भाड्याचं घर आहे ते आता खाली करावं लागणार आहे। खोली मिळाला पण पैसे नाही मिळाले अजून, पैसे पण मिळायला पाहिजे ना। 10,000 डिपॉझिट, 500 रुपये, 800 रुपये भाडं, तर 800 रुपये जर मी भाड्यामध्ये घालू तर मी पोरांना काय घालू, मला पगार तर एवढा आहे नाही आहे। 2,500 रुपये पगार आहे, 2,500 रुपयामध्ये घरातला खर्च करू का, त्यांच्या शिक्षणाचं करू का, भाड्याचं बघू। नवरा काय देत नाही? नवरा देतो ना, त्याला 2,000 रुपये पगार आहे, 1,000 रुपये त्याचे दारू जातात आणि 1,000 रुपये मला देतो। 1,000 रुपये खाना म्हणून देतोय फक्त, का हा माझा महिन्याचा खाना आहे तुला। आणि यांचं दारू पिण्याचं कमी नाही झालं अजून प्रमाण? हा, दारू पिण्याचं कमी असं नाही झालं मॅडम, का त्याला पण घराचं टेन्शन येते। काय मी बोलायला म्हणायला जावा तर म्हणतो मला टेन्शन येते, मग मी काय करू? म्हणलं तुला टेन्शन आहे, तू दारू पितो, मला टेन्शन आल्यावर मी काय करू? घर का कुछ प्रॉब्लेम होता है, जैसा अभी ये गए महीने में 4-5 दिन घर पे था, ये खोली वाले ने बोल दिया क्या खोली खाली करने का, ऐसा वैसा। अभी खोली खाली करने का बोला तो पैसा कहाँ से लाएगा, किधर क्या करेगे, तो इस हिसाब से 4-5 दिन से मैं वही टेंशन में ये गया। लेकिन वो हिसाब से मेरे को निकाला नहीं गया, मेरा ट्रांसपोर्ट कर दिया, दूसरी जगह मेरे को भेज दिया। ये पहले छोटा काम पर जाता था ना, तर एक बार मेरी लड़की उसका आका आया तो 8 दिन में घर में था, और मेरा 7वां महीना चालू था, तो मैं काम पर नहीं थी, घर में थी ना, तो मेरे को वो टेंशन हो गया बच्चे को आका आया और मेरी भी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आया, तो वो घर में रहे। घर में रहने के बाद उसको 1 महीना घर में रहे ना, तो अगले महीने में गए तो उसको निकाल डाला काम। 10 साल से अभी है ये नौकरी छोड़ो वो करो, वो छोड़ो वो करो। लेकिन वो नौकरी छोड़ने के बाद फिर थोड़ा दिन वो काम करने गए, 1 साल सकने गए, तो फिर उसने टेंशन लिया, फिर दारू, नौकरी गई, खोली गई, फिर थोड़ा 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 उसका चालू हो गया। शराब पीने का मेरा आदत नहीं था क्या, ये जब से मेरा नौकरी का ऐसा नौकरी छूट गया, बाद में बच्चे लोग भी छोटा छोटा हो गए, बाद में वो टेंशन में मैंने रूम बेचा, रूम बेचने के बाद में वो थोड़ा पार पैसा था वही बैठ के खाया। हाँ, नौकरी ढूंढता है तो नौकरी नहीं मिलती थी, तो वही पैसा ऐसा निकालते 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 सब पैसा खर्चा होगा और टेंशन बढ़ गया। हाँ, तो मेरा थोड़ा जो थोड़ा पीता था तो ज़्यादा पीने लगा, तो अभी मतलब जब से अभी इधर काम पे लगा है तब से मैं ज़्यादा ये नहीं करता, यूज नहीं करता। ऐसे कुछ संडे विंडे ऐसा कुछ रहेगा, कोई मेहमान वगैरह आएगा तो ही थोड़ा पार होता है, नहीं तो ऐसा ये नहीं करता, क्योंकि दारू पीना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरा एक तो लाइफ मेरा कैरियर एकदम ख़राब है, और मेरा कैरियर ख़राब है तो मेरे बच्चे लोग का भी कैरियर ख़राब हो जाएगा। मैं अगर दारू पिएगा कुछ ये करेगा तो वही पैसा अगर मैं बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए खर्चा करेगा या वो लोग को अच्छा अच्छा खाना कुछ ला के खिलाएगा तो उनका ही अच्छा हो जाएगा ना। वो हिसाब से मैं अभी पीना भी एकदम ये कर दिया, क्योंकि पीने से क्या होता है, अभी जो भी नौकरी है मेरे को ऑफिस में नौकरी करना पड़ता है, हाँ बड़े बड़े साहब लोग के पास जाना पड़ता है, फाइल देना वगैरह कुछ करना, वो लोग के सामने जाना, हाँ चाय देना वगैरह ऐसा कुछ ये करना पड़ता है, तो अगर शराब का बास वगैरह आ जाएगा तो वो भी लोग कंप्लेंट कर देंगे, निकाल देंगे मुझे। वो हिसाब से मैंने अभी बहुत कंट्रोल किया है कि दारू पीने का ही नहीं ऐसा। देयर आर मेनी केसेस वेयर द देयर इज नो हस्बैंड सपोर्ट, सो देन ऑल द बर्डन ऑफ इनकम जनरेशन इज ऑन देम,
And many times there are widows also because I already said there is TB in the community. It's also because of the poverty. Last few years, because we started working together with NGOs who work for the welfare of ragpickers, we have come to realize what a great contribution they can make. They have no hang-ups about doing it. There is a hell of a lot of dignity in what they do, in what they see themselves as. But do they have dignity in the eyes of people like you and me? I would say no. For us, they are beggars. When you see them sitting at streets, you don't want them there. The fact is that you might not go into a shop because you have ragpickers sitting outside. I believe that the way we treat the lowest rung of society is the measure of where we have reached as a society. Like how we brush our teeth in the morning for our health, these people too come the first step in the morning to clean the society. So they are a very good injections or very good hygiene holders for our society and for our nation. These people are all aspiring that their children don't get into this line, and how much hardships they have faced. They don't want their children to face these hardships. They want to come out of it. बच्चे लोग पढ़ा लिखाएगा थोड़ा अच्छा रहेगा. हम तो ऐसे कचरे में गंदे में हाथ लगाएगा तो बच्चे लोग ऐसे नहीं करना नहीं चाहिए ना. बच्चे लोग स्कूल में पढ़ना है पक्केगा. के लिए हमारे बच्चे लोग के काम पे हम नहीं छोड़ा और लोग के लिए अच्छा ही बनेगा. अभी हमारा नसीब मेरे काम कर लेंगे. मेरे को लगा मैं जो कचरा चुनती है मेरी लड़की भी ऐसी चुनेगी बाद में, जैसी मेरी माँ चुनती थी वैसे मैं चुनी. तो मैं बोली उसको थोड़ा सा मैं पढ़ाएगी लिखाएगी तो खुद के पाँव को तो उभी रहे खड़ी रहेगी ना. वो नहीं भेजा चटनी रोटी खा के कैसे भी दिन निकाले मगर स्कूल पढ़ाए उन लोग को. उनके लिए तो बहुत सोचा है, बहुत कुछ सोचा है, बहुत बड़ा बनो बहुत पढ़ो
बहुत अच्छे से हो, ऐसा बहुत कुछ सपना देखती, लेकिन बाद में मालूम नहीं सपना पूरा होता या नहीं। मैं बड़े हो जाएगा तो मैं कॉलेज में मेरे पापा मेरे को हॉस्टल में डालेंगे, तो मैं बड़ा हो जाएगा तो मैं घर में आ जाएगा, तो मेरे पापा मम्मी मतारे हो जाएंगे तो मैं घर का ध्यान रखूँगा। बड़ा होकर मैं इंजीनियर बनना चाहता है। आज फिर क्या करेगा? काम करेगा, खोली बेचकर और पैसा जमा कर दूसरा खोली बनाएगा, लाएगा बनाएगा। मैं बड़ा होऊंगा, बड़ा होने के बाद वेल्डिंग मैन बनूंगा, वेटर बनूंगा, और उसके बाद मैं मेरे बंगला आएगा और मेरी गाड़ी होएगी, और गाड़ी होने के बाद मैं मेरी बीवी हो गई, मेरे बच्चे होएंगे, बच्चे को मैं स्कूल में दाखिला डालूंगा, तो फिर बच्चे को बड़ा करूँगा, फिर उन लोग मेरे को पापा बोलेंगे, तो फिर उन लोग बड़े हो गए तो फिर मैं उनको पायलट बनाऊँगा। पायलट बनाने के बाद उन लोग सीखेंगे, सीखने के बाद मेरे को बहुत आनंद।